हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है सक्सेस पॉइंट के इस एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आपका 3 अप्रैल तक सारी क्लासेस का रिवीजन करा दिया गया था, ठीक है। तो आज जो आपके सामने क्लास है वो आपकी क्लास है 4 अप्रैल, ठीक है। आज हम करंट अफेयर्स का जिनका रिविज़न करने वाले हैं वो 4 अप्रैल एंड 5 अप्रैल दोनों के ही क्लासेस का रिवीजन हम आज की क्लास में करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इससे क्या हो गया, थोड़ा सा गैप हो गया आपकी रिवीजन क्लास में, है ना। तो वो जो गैप है, देखते हैं कि आपको 2 दिन बाद याद हैं चीज़ें या नहीं है, उसका भी आपका टेस्ट हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, यानी कि ऑटिज्म अवेयरनेस, है ना। ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है, ट्रिक के साथ आपको बताया था, 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सुंदर होम फाइनेंस के प्रबंधक निदेशक का पदभार किसने संभाला है। तो सुंदर होम फाइनेंस के जो आपके चीफ हैं वो किसे बनाया गया है, डी लक्ष्मी नारायण को बनाया गया, ठीक है, डी लक्ष्मी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को 2021 तक स्थगित कर दिया गया है, ये किस शहर में आयोजित होने वाला था, ठीक है। तो आपका COP26 जो कि किस पे था, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन, ये कहाँ पर होने वाला था, ग्लासगो में होने वाला था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COVID-19 शिकायतों के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड, राष्ट्रीय निगरानी हमें क्या करनी है, निगरानी रखनी है किस पर, COVID-19 के लिए जो भी शिकायतें आ रही हैं उन पर निगरानी रखने के लिए किस चीज़ का गठन किया गया है, शिकायत किसने किया है, ठीक है, कौन से विभाग ने किया है, तो लोक शिकायत विभाग, जैसा क्वेश्चन वैसे आंसर, कि उनकी शिकायतों पर निगरानी रखनी है ना, तो किसने बनाया होगा, लोक शिकायत विभाग, और उनका क्या करना है, उन शिकायतों को सुधार करना है, तो प्रशासनिक सुधार, ठीक है। जिसने ये वीडियो नहीं देखी एक बार जाके प्लेलिस्ट में जाके अप्रैल की वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। अब वहाँ से उसके बाद रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको अच्छे से याद रहने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निसान ने अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो आपको ट्रिक से बताया भी था कि निशान क्या है, कार, और कार के क्या होंगे, टायर भी होंगे, तो टायर और कार टायर, कार्टियर, तो क्या आंसर हो गया था इसका, गिलोम कार्टियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सुरक्षा ऐप का नाम बताइए जिसका उद्देश्य उपयोगकर्ताओं को अपने सोशल डिस्टेंसिंग स्कोर को करने में मदद करना है। तो इसका आंसर क्या था, DROR, आपको ट्रिक्स बताया था COVID-19 से क्या रहना है, दूर रहना है ना, दूर, तो DR रहो, RO, तो DROR, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021 के लिए RBI के अनुसार कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो FPI, यानी कि FPI विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की बढ़ी हुई सीमा क्या है, तो कितनी बताई थी, 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पे के साथ साझेदारी में जल इंश्योरेंस कंपनी में COVID-19 सुरक्षा बीमा कवर, क्या दिया है, COVID-19 के लिए इंश्योरेंस बीमा कवर दिया है भारत पे, ठीक है। एक तो भारत पे ने किसके साथ मिलकर दिया है, ICICI लॉम्बोर्ड के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, S&P ग्लोबल रेटिंग्स 31 मार्च 2020 को संशोधित के अनुसार 2000 वर्ष के लिए GDP बतानी है। तो S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अकॉर्डिंग कितनी GDP है, 3.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने भारतीय एयरलाइन स्पाइसजेट में 5.45% हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। तो किसने कर लिया है, HDFC ट्रस्ट कंपनी, इसने क्या करा है, आपकी भारतीय एयरलाइन में जो आपकी 5.45 हिस्सेदारी को खरीद लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने उस टीम का नेतृत्व किया था जिसने कोरोना वायरस प्रशिक्षण की विकसित की थी, ठीक है, और उस किट का क्या नाम था, माइलैब फोटो डिटेक्ट, ठीक है, याद रखने का, माइलैब फोटो डिटेक्ट COVID-19 गुणात्मक PCR किट कहा गया था, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, किरण मजूमदार शाह। फ्रेंड्स, अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि विद ट्रिक्स वहाँ पर ये सारे करंट अफेयर्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस करे जा चुके हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने स्वघोषणा COVID-19 ऐप लॉन्च किया था। स्वघोषणा किसने करा था, नागालैंड, ठीक है, विद ट्रिक्स आपको डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक, हाँ, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो आपको पता है कि आपके जो टोक्यो ओलंपिक्स थे वो क्या हो गए थे, रद्द हो गए थे, पोस्टपोन हो गए हैं, क्यों, COVID-19 की वजह से। तो कब तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं, अगले साल 2021 में, कब से कब तक होंगे, अभी ये 23 जुलाई से लिए 8 अगस्त तक। इसके अलावा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये बताया था कि वो पहली कौन सी कंट्री थी जिसने
ओलंपिक से बाहर मतलब पार्टिसिपेट करने के लिए मना कर दिया था, वो कौन सी कंट्री थी? कनाडा कंट्री थी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे स्टैटिक जीके क्वेश्चन है कि आईओसी का मुख्यालय पूछा है, तो आईओसी का मुख्यालय कहाँ पर है? लुसाने में। कहाँ पर है आईओसी का मुख्यालय? लुसाने में, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को एक दो बार देखेंगे डेफिनेटली आपको करंट अफेयर्स लंबे टाइम तक आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले हो, ठीक है। तो विद ट्रिक्स देख लो और एक बार रिविजन क्लास देख लो, डेफिनेटली आपको याद रहेंगे, ठीक है। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन ग्रेस ट्री नामक पुस्तक लिखी थी। द एनलाइटमेंट ऑफ द ग्रीन ग्रेस ट्री, ये किसने लिखी थी? शोफेको अजार। किसने लिखी थी? शोफेको अजार। नेक्स्ट बुक है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर्स नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हाई ग्रोथ, जिसकी ग्रोथ हो रही है ईयर्स वाइज हाईली ग्रोथ हो रही है, किसने लिखी थी? मोंटेक सिंह अहुली अहलूवालिया, ठीक है, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीदेवी, श्रीदेवी द इटर्नल स्क्रीन ब्रॉडेश शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? कौन था? सत्यार्थ नायक, ठीक है। इसे रिलेट करके दिखाया था आपको अनिल कुमार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो असाधारण G20 वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक गवर्नर बैठक में भाग लिया था, तो ये बताना कि G20 जो सबमिट हुई है, आपको पता है COVID-19 चल रहा है तो कहीं पर भी कोई नहीं गया था, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा G20 सबमिट करी गई है, तो ये किसके अध्यक्ष की अध्यक्षता किसने करी थी? इसकी अध्यक्षता किसने करी थी इस बार जो 2020 का G20 सबमिट था, उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? किसने करी थी? सऊदी अरब ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई व्यक्ति जो जम्मू कश्मीर के निवास में जम्मू कश्मीर में निवास करता है उसके लिए वहाँ की यूटी का स्थायी निवासी बनने के लिए कितने साल वहाँ पर आपको रहना पड़ेगा? तो कितने साल रहना पड़ेगा? 15 साल। 15 साल आप मिनिमम वहाँ पर रहेंगे तभी वहाँ का आपको क्या मिल सकता है? आपको वहाँ का सिटीजन माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस संगठन का नाम बताइए जिसने कोरोना के समय में यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट के माध्यम से कला नामक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया, तो किसने किया? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 के तहत चिकित्सा उपकरणों को कितनी अधुसूची में रखा गया है? तो कितनी अधुसूची? 24, ठीक है, 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यूनाइटेड के अनुसार कोरोना वायरस से आर्थिक क्षति का सामना करने वाली विकासशील देशों के लिए बचाव पैकेज की कितनी राशि है? कितनी राशि है? 2.5 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा एक क्वेश्चन और भी था इससे रिलेटेड कि जो आपकी भारत सरकार है, ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है आपकी, उसने कितना COVID-19 से लड़ने के लिए कितने लाख करोड़ का आपको दिया था कि हम COVID-19 पे खर्चा करेंगे? तो उसका आंसर क्या था? 1.7 लाख करोड़, ठीक है। लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया था, यहाँ पे जो भी रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। अब अगला RBI के अनुसार निजी और सार्वजनिक बैंकों में MD और CEO की फिर से नियुक्ति करने के लिए आपको कितनी सीमा पहले उनके कार्यकाल समाप्त होने से कितने टाइम पहले बताना पड़ेगा? 6 महीने पहले। 6 महीने पहले आपको RBI को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय, ठीक है, सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई COVID-19 के लिए आधिकारिक समिति ट्विटर हैंडल कौन सा बनाया है? COVID News @COVID News by MIB, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन थे, इसके साथ साथ अब जो है आपका 5 अप्रैल के क्वेश्चन को भी यहाँ पे साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपके 5 अप्रैल के क्वेश्चंस, और आपकी रिक्वेस्ट थी कि जो क्वेश्चंस अगर बाइलिंगुअल होंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो हमने अब क्वेश्चंस को बाइलिंगुअल बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपका भी कोई सजेशन है तो ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी भी आपको, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। प्लीज़ आप लाइक और शेयर करिए क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ IT Act 1961 द डोनेशन ऑफ 4 PM CARES Fund ग्रांटेड विद 100% एग्जम्पशन, यानी कि आपका जो IT अधिनियम 1961 है उसके तहत जो PM केयर्स फंड है उसमें 100% एग्जम्पशन, कोई भी आपको टैक्स नहीं देना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग टैक्स फ्री रहेगा वो सारा पैसा। तो कौन सी धारा के तहत आता है, कौन सा सेक्शन क्या आता है? धारा 80G के तहत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन है नवारंतल्लू पेडालानदारी की इल्लू हाउसेस फॉर ऑल पुअर प्रोग्राम ये किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? सभी के पुअर्स के लिए हाउस होना चाहिए, यह कहाँ पर चलाया गया है? आंध्र प्रदेश में। नेम द सेंट्रल गवर्नमेंट फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव COVID-19 ट्रैकिंग ऐप, ठीक है। तो कौन सी ऐप बनाई है? आरोग्य सेतु। कौन सी बताइए? आरोग्य सेतु, ऑप्शन नंबर 4 दिख रहेगा। देखो अभी क्या चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, ठीक है, अभी तो कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ COVID-19 चल रहा है। तो COVID-19 से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ आपकी आ रही है, तो देखो दो ऐप बनाई गई हैं COVID-19 से रिलेटेड, अभी तक COVID-19 से रिलेटेड दो ऐप बनाई गई हैं, उनका नाम ज़रूर बताइएगा। पहली तो आपकी कौन सी है?
आरोग्य सेतु। लेकिन इससे भी पहले एक और ऐप बताई गई थी, जो कौन सी थी, कोरोना कोरोना कवच। ठीक है, आपको याद होगा कि जो कोरोना कवच थी, तो कोरोना कवच और आरोग्य सेतु ये दोनों ऐप है, जिसमें क्या होगा, अगर आप ये अपने फ़ोन को हमें इंस्टॉल करते हैं तो अगर आप किसी भी सेंसिटिव एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये जो है कोविड 19 सेंसिटिव एरिया है ना। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने दो ऐप बनाई है, पहले एक तो बनाई है आरोग्य सेतु और इसके अलावा इससे पहले जो बता दी थी कोरोना कवच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टेनिस टूर्नामेंट विच वॉज कैंसल्ड 134 एडिशन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार, जब आपके सेकेंड वर्ल्ड वार हुए थे। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है, आप बताना सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुए थे। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद पहली बार कोई टेनिस टूर्नामेंट है जिसे कैंसिल करा गया है, कौन सा है, विंबलडन। ठीक है, विंबलडन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच द कंपनी केरला बेस्ड SCT IMST कोलैबोरेटेड टू मेक पोर्टेबल लाइट इमरजेंसी वेंटिलेटर्स, लाइट वेट इमरजेंसी वेंटिलेटर्स, किसके साथ मिलकर बना रहा है केरला, Wipro 3D। फ्रेंड्स, वेंटिलेटर्स पे भी आजकल बहुत क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए, कोविड 19 से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ है जिससे आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नेम द कंट्री विच होज द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम जो कि 2021 में होंगे, तो कौन इसकी मेजबानी करेगा, चाइना। ठीक है, जिसने ये सब कुछ फैलाया है चाइना, वो किसकी, एशियन यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा 2021 में। नेम द ऐप विच वॉज टेस्टेड बाय द गवर्नमेंट टू लोकेट क्वारंटाइन वेंटिलेटर्स, देखो सॉरी क्वारंटाइन वॉयलेटर्स। क्या है कि अगर आपका कोई भी ऐसा पेशेंट है जो क्वारंटाइन का उल्लंघन करता है, ठीक है, क्वारंटाइन में से भाग जाता है, जैसा अभी आपको न्यूज़ दे रही होगी कि कुछ लोग क्या करने गए हैं, हॉस्पिटल से भाग गए या क्वारंटाइन सेंटर से भाग गए हैं, है ना, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करी है, एक ऐप बनाई है। उसमें क्या होगा, अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है जिसे क्या करने के लिए कहा गया, क्वारंटीन करने के लिए कहा गया है, ठीक है, क्वारंटीन करने के लिए किया गया है, तो जैसे ही वो भागेगा हॉस्पिटल से या क्वारंटीन सेंटर से, तो जियो फेंसिंग एक ऐप बनाई है जो कि GPS पे वर्क करेगी आपके, ठीक है, GPS पे वर्क करेगी। तो GPS क्या करेगा, उसकी सारी लोकेशन कि वो कहाँ कहाँ से होके कहाँ कहाँ जा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन का मैसेज ऑटोमेटिकली किसके पास पहुँच जाएगा, उससे रिलेटेड डॉक्टर्स के पास ईमेल से मैसेज के जरिए उसके पास इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सी ऐप है जो कि टेस्ट करेगी, जो क्वारंटाइन को वॉयलेट करेगा, उनके लिए डॉक्टर्स के पास इन्फॉर्मेशन जाने के लिए ऐप बनाई है जियो फेंसिंग है। कन्फ्यूज नहीं होना है, तीन ऐप आपने पढ़ लिए, एक तो कोरोना कवच पढ़ी है ना, एक तो कवच पढ़ी है, दूसरा आपने कौन सी पढ़ी थी अभी, आरोग्य सेतु पढ़ी थी, और तीसरी अभी कौन सी पढ़ी है आपने, जस्ट अभी जो पढ़ी है वो कौन सी है, जियो फेंसिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन इंस्टीट्यूट विच हैज डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप फॉर इंडिजियस वेंटिलेटर अंडर द प्रोजेक्ट प्राण। ठीक है, प्राण प्रोजेक्ट के अंदर स्वदेशी वेंटिलेटर कौन बना रहा है, स्वदेशी वेंटिलेटर प्राण प्रोजेक्ट के अंतर्गत IISC बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ NCLT एक्टिंग प्रेसिडेंट फॉर 3 मंथ्स, नेम द पर्सन हु इज द करंट, अभी कौन है आपका NCLT प्रेसिडेंट, कौन है इसके अकॉर्डिंग, PSV प्रकाश कुमार, इनका एक्सटेंड कर दिया है 3 महीने के लिए। आपको पता है हर चीज़ को 3 महीने के लिए एक्सटेंड करना है ना। अगला क्वेश्चन है, एज पर एशियन डेवलपमेंट आउटलुक बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया का ग्रोथ बताया उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तो कितना बताया, बहुत ही कम बताया, कितना बताया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितना बताया, 3% बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट RDI हैज़ मेड कवरेज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट कॉस्ट ऑफ COVID-19 मैंडेटरी। क्या करा है इन्होंने, IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट के लिए आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट है वो किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंदर आएगा, आरोग्य संजीवनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल चाइल्ड बुक डे कब ऑब्जर्व किया गया था, 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल को आपने ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी पढ़ा है, और ऑटिज्म किसको होता था, बच्चों के लिए होता था, और बच्चे बुकें भी पढ़ते हैं, तो वो भी किसको हो जाएगा, 2 अप्रैल को हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू बाय मल्टी फीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड MOM, ठीक है, फॉर द डेवलप्ड बाय द नेवी, जो कि नेवी के द्वारा डेवलप करी गई है COVID-19 पेशेंट्स के लिए। तो किसने, ये आंध्र प्रदेश। ये क्या करेगी, आपके अगर लंग्स, अगर पेशेंट के लंग्स जो है बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाते हैं, तो उस केस में ये ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करी जाएगी, और जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएगी। तो कौन करेगा ऐसा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रिकग्नाइज बाय ग्रीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मैन, वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन, जिनका नाम अभी ग्रीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड किया गया है, तो कौन है वो, बॉब वेटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी इन कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर है डेवलप्ड अ कोविड क्वारंटाइन एक्ट सिस्टम अलर्ट सिस्टम। ठीक है, वही कोविड क्वारंटाइन अलर्ट सिस्टम अलर्ट करेगी टेलीकॉम कम्युनिकेशन के साथ, किस कंपनी ने कोऑर्डिनेशन में काम कर लिया, सी डॉट
ठीक है, यूनिक है तो यूनिक ही काम होंगे सारे, वोडाफोन BSNL ये सब बेकार है, इसके लिए इन्होंने क्या करा, एक यूनिक कंपनी को लिया है, तो यूनिक कंपनी सी डॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन सॉन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और जहाँ तक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। हु हैज़ बीन सॉन इन एन परमानेंट जज, परमानेंट जज बनाए गए हैं हाई कोर्ट के जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख। आपको पता है 370 हटी है ना, 370 हटी है, उसके बाद जम्मू कश्मीर में और सब में बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं लद्दाख में, तो उसके तहत हाई कोर्ट जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक हाई कोर्ट बनेगी, तो उसकी हाई कोर्ट के जो आपके जज है वो किसे बनाया, परमानेंट जज किसे बनाया गया है, जस्टिस रजनेश ओसवाल, जस्टिस रजनेश ओसवाल, और ये जो होंगे आपके पहले जज होंगे जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शपथ ली है, क्योंकि अभी तक जो भी शपथ लेते थे वो किसके तहत लेते थे, जम्मू कश्मीर का एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, है ना, तो अभी जो जस्टिस रजनेश ओसवाल ये पहले ऐसे जस्टिस बने हैं या न्यायाधीश बने हैं हाई कोर्ट के जम्मू कश्मीर के, जिन्होंने भारतीय संविधान के तहत शपथ लिया, क्योंकि इससे पहले सब किसके अकॉर्डिंग लेते थे, आपके जम्मू कश्मीर का एक अलग एक्ट था, है ना, अलग कॉन्स्टिट्यूशन था। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो आज की रिविजन क्लास थी, और अगर क्लास कैसी लगी है, ठीक है, आपको अच्छी लगी है बेकार लगी है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और प्लीज़ फ्रेंड्स व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप प्लीज़ शेयर करिए वीडियोस को, है ना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और आपके पास बहुत अच्छा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, भले ही आपकी वर्ल्ड की या आपकी इंडिया की इकोनॉमिक डाउन हो रही है इस टाइम पे, ठीक है, कुछ लोगों को प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो हमें अच्छे से सारी चीज़ें पढ़ लेनी है, करंट अफेयर्स बिल्कुल अच्छे से कर लूँ, CHSL में जिसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसे यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।